जिले में गैंगवार ने एक बार फिर कोहराम मचा दिया। चूरू जिले के राजगढ़ कस्बे की मौजी ढाणी में बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे आधा दर्जन लोग गोली लगने से घायल हो गए। फायरिंग में चार लोगों की मौत हो गई, इनमें से तीन स्थानीय ग्रामीण बताए जा रहे हैं, वहीं एक अन्य बदमाश बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी 6 से 8 की संख्या में थे, जो मौजी ढाणी में प्रदीप नामक युवक को मारने के इरादे से आए थे, जिन्होंने आते ही अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे गांव में दहशत मच गई। ग्रामीणों ने भी आरोपियों से डटकर मुकाबला किया, लेकिन वे गोलियां बरसा रहे थे। ऐसे में गोली लगने से तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी, लेकिन पुलिस घटना स्थल पर 1.5 घंटा देरी से पहुंची। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। वहीं घटना के बाद मौजी ढाणी और राजगढ़ में दहशत है। घटना से सभी लोगों में आक्रोश है। मौके पर भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। वहीं नाकेबंदी कर दी गई है। घटना की जानकारी के बाद पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। तो चूरू में ये गैंगवार की घटना, मौजी की ढाणी में, चूरू के राजगढ़ में जो मौजी की ढाणी में गैंगवार की घटना हुई, और इस दौरान जब जो बदमाश वहां पहुंचे, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करी, और इस अंधाधुंध फायरिंग में कई लोग घायल हुए और चार लोगों की मौके पर ही मौत भी हो गई। यानी कि बदमाशों के हौसले जो हैं वो इतने बुलंद हैं कि वो एक मौजी की ढाणी में वो पहुंचते हैं, लगातार फायरिंग करते हैं और इसमें चार लोगों की मौत भी हो जाती है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता कृष्णा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णा, जिस तरह से बदमाश पहुंचे थे एक युवक को मारने और अंधाधुंध उन्होंने फायरिंग करी, चार लोगों की मौत भी हो गई और 1.5 घंटे बाद पुलिस पहुंची, अभी क्या स्थिति है, इस वक्त जो ताजा हालात हैं वो क्या हैं, और पुलिस पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगते हैं। देखिए सुधांशु, आपको बता दूं, मैं अभी मौके पे हूं, ढाणी मौजी गांव के अंदर हूं। जी। और यहां पे लोगों में सबसे पहला आक्रोश ये है कि हमीरवास पुलिस है वो देरी से पहुंची। जी, मौके पे आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं, एसडीएम महोदय भी मौके पे पहुंचे हुए हैं। जी। वहीं एसपी महोदय भी चूरू से यहाँ पे पहुंच चुके हैं। जी। उन्होंने ग्रामीणों ने एक एक करके पहली शिकायत ये दर्ज करवाई है। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे चार जनों की मौत कन्फर्म हो गई है। जी। तीन ग्रामीण है, वहीं एक है जो हमलावरों के साथ ही आया था। ग्रामीणों का ये कहना है कि हमलावर जब भागने लगे तो उससे भागा नहीं गया, उन्होंने अपने साथी को गोली मार दी। पूरी घटना को लेकर के यहाँ पे लोगों में काफी रोष है और दहशत है। जी, जो कृष्णा जो हमलावर आए थे, कृष्णा ये जो गैंगवार की जो घटना है, इससे कहीं ना कहीं राजस्थान में ये भी पता लग रहा है कि जो बदमाश थे उनके हौसले कितने बुलंद थे, एक ढाणी में आके एक युवक को मारने के लिए अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। क्या कुछ पुलिस के अधिकारी कुछ बोल पा रहे हैं इस पर, कुछ आगे कुछ क्लू उनको मिले हैं कि आखिर ये बदमाश? जी, बदमाश जी से मैंने बात करने की कोशिश की, वो अभी तो स्पष्ट तौर पर कोई जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। और ग्रामीण है, उन्होंने एक बार तो उनका घेराव भी कर दिया था। ये किस युवक को मारने आए थे? एक युवक के मारने की बात इसमें सामने आ रही है कि किसी? इनका टारगेट था अजय जैतपुरा, जिसकी पीछे गोली मार के कोर्ट में हत्या कर दी, उसी ग्रुप का एक था प्रदीप स्वामी। जी, जी। तो प्रदीप स्वामी को मारने के लिए लोग आए थे और ये ढाणी मौजी में ताश, कुछ लोग ताश पत्ती खेल रहे थे तो उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिससे अन्य निर्दोष आदमी भी तीन है, दो आदमी और निर्दोष है, उनकी भी मौत हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता कृष्णा जो बता रहे थे कि वहां इस वक्त पुलिस का जाब्ता मौजूद है, ग्रामीणों में रोष है और कहीं ना कहीं बदमाशों के हौसले इससे दिखाई दे रहे हैं, इस पूरी घटना से, कि कितने बुलंद हैं। अंधाधुंध फायरिंग में चार लोगों की मौत हो गई।